खबर भिवानी से, जहां राम बिलास शर्मा आज महेंद्रगढ़ से हिसार जाते समय कुछ देर के लिए भिवानी रुके और पत्रकारों से रूबरू हुए, जिसके चलते प्रदेश कैबिनेट के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि रोडवेज कर्मचारी सरकार का हिस्सा है और उन्हें सरकार पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के हितों को सर्वोपरि रखकर उन्हें काम करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि हड़ताल छोड़कर वे टेबल टॉक पर आए और बातचीत के जरिए समाधान करवाएं। उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों को वार्ता के लिए कहा और उदाहरण देते हुए कहा कि जापान देश में कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो वो उत्पादन बंद नहीं बल्कि उत्पादन दोगुना कर देता है, जिससे देश का भी नुकसान नहीं होता और कर्मचारी की बात भी मान ली जाती है। कर्मचारी हड़ताल पर है, कर्मचारी सरकार का हिस्सा होता है और जब कर्मचारी अपने संगठन की मांग को लेकर के मेरा आज भी रोडवेज कर्मचारी नेताओं से आग्रह है कि वो जन सुविधाओं को ध्यान में रखें और वार्ता करें, टेबल पर आए। जापान में कर्मचारी हड़ताल करते हैं, मजदूर हड़ताल करते हैं तो वो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है उसको दुगना कर देते हैं, परंतु देश का उत्पादन नहीं रुकने देते। मेरी रोडवेज कर्मचारियों से आग्रह है कि वो लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखें और अपनी मांगों के लिए वार्ता के ऊपर आएं, सरकार के साथ में बैठें और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो वार्ता होने जा रही है उसमें से परिणाम निकलेंगे।